के बाद बॉर्डर कंप्लीट करना है। फिर इसमें आपको फेदर दिखाना है। आप पेंसिल से भी बना सकते हो और उसमें ऐसे लाइन निकालना है। उसके बाद हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ब्लू का शेड देना है, सब ग्रीन ऑरेंज नोक के लिए, मैं रेड इसके इसके बाद हम ब्लैक्स, आप क्रेयॉन से नहीं हो रहा है तो पेन भी यूज किया तो भी चलेगा क्योंकि नोक लगेगा उसके लिए। मैं डार्क ब्लू लिया है, अभी मैं डार्क ब्लू से देखो, उसके बाद मैंने डार्क ब्लू लाइट लाइट कलर दिया है। उसके बाद मैंने येलो लिया है क्रेयॉन्स का, आप ग्रीन भी लाइट ग्रीन दे सकते हो फेदर के लिए। आराम से कलरिंग करना है। छोड़ना नहीं है किधर भी कलर, इसके लिए ड्राइंग भी आराम से करके बॉर्डर कंप्लीट करना है आपको। अभी मैं इधर थोड़ा ब्लू डाल दूँ। फिर यहाँ पे ऑरेंज नहीं तो येलो भी कर सकते हो आप, ज्यादातर ऑरेंज भी रहता है फेदर में। और ब्राउन ग्रीन कम लग रहा है तो ग्रीन भी थोड़ा थोड़ा डार्क शेड करवा दो। इसके बाद पैर को मैं ब्राउन दे दूंगी। उसके बाद ये मैंने ग्राउंड लिखा है
वो भी आपको कलर करना है। पीकॉक ग्रीनरी में रहता है ज़्यादातर, तो मैं ग्रीन लाइट ग्रीन यूज़ कर रही हूँ ऐसे। अभी लाइट ग्रीन से दिखा दो ऐसे। पिकॉक कंप्लीट।